सभी दर्शकों का एमटीवी न्यूज में स्वागत है। उद्देश्य है सच दिखाने का। जालौन जिले से कोलिया थाने से एक बड़ी खबर आ रही है कि बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। कई सालों से टायर टाइट ना होने के कारण हुई दुर्घटना, जिससे बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिससे आज एक मौत हो गई करंट लगने से। घर में सो रहा था रविंद्र युवक, अचानक बोर्ड का तार टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ा। ये तार झूल रहे हैं, ये तार आपस में टकराने से टूट गए, जिसके वजह से करंट लगा और इस करंट से उसकी मौत हो गई। ऐसा नहीं, कई बिजली उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर आदि में हाई वोल्टेज आपस में 11,000 वोल्ट टकराने से सारे उपकरण जलकर राख हो गए और कई जगह तार टूटे हैं, जिसके वजह से कई लोग यहाँ घायल हुए हैं। एक नहीं, 4-5 लोग यहाँ घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है कि ताकि इनका उपचार हो सके। बताया जा रहा है कि कई सालों से ये तार ढीले पड़े हुए हैं, करंट आ रहा है पर ये टाइट नहीं किए, घरों के ऊपर लटक रहे हैं मौत बनकर। आज वो सामने आया कि एक मौत हुई और 4 घायल हुए। ये बिजली विभाग की लापरवाही का एक नतीजा है जो आपके सामने देख रहे हैं कि लोगों की जान जा रही है, हजारों रुपए के उपकरण भी जलकर राख हुए। ये जालौन जिला के कोलिया थाने के ग्राम हिगुटा की खबर है।